आपका ब्लॉग मुझे सौरभ जोशी ब्लॉग से बढ़िया लगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जो है टाइम हो चला है 1:15 और काफी लेट से जो है मैंने आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट करा है। और कारण क्या था, कारण था कि शॉप आने के बाद का बहुत सारा काम था जिसके कारण हम ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए। फिलहाल अभी ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया और अभी लंच टाइम हो चला है तो अभी खाना हमारा आने वाला है घर पर, तो उसी का वेट कर रहे हैं। तो गाइस अभी जो है हमारा लंच आ चुका है और एकदम सिंपल सा खाना है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे लंच में क्या आया है। तो लंच में है चावल, दाल और उसके साथ है भुजिया, अचार और यहाँ पे एग। तो अभी लंच को कंप्लीट करते हैं और देन हम फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो UPS कुरियर वाले भैया एक बार फिर से आ चुके हैं मेरे शॉप पे GoPro को पिक करने के लिए। तो आई होप इस बार जो है फिर से वापस मेरे पास ना आए और जहाँ पहुँचना है वो सीधे वहाँ पहुँच जाए। और इनका ऐसा रूल है कि पार्सल को कंप्लीट पैक नहीं करना, इनके जो बंदे आते हैं वो इंस्पेक्ट करेंगे और देन पार्सल को जो है खुद से पैक करेंगे अपने ऑफिस पर। तो सेम मैंने वैसा ही किया, पार्सल को बिना पैक करे ही इनको हैंड ओवर कर दिया था। तो गाइज अभी जो है ना प्रॉब्लम, मतलब कि GoPro वाला जो है मेरा वो चल ही रहा है, सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉक्यूमेंट सारे मैंने भेजे थे अपने GoPro के साथ, बट किसी डॉक्यूमेंट्स के कमी के कारण जो है ना GoPro जो है वापस मेरे पास फिर से आ गया। और अभी फिर से मेरे को सारा डॉक्यूमेंट्स, मतलब समझो कि आप ना अपना पासपोर्ट बनवा रहे हो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है उनको, तो सारा कुछ मैंने दे दिया, अपना 2 ID कार्ड दिया। साथ में क्या है कि GoPro वाले ने मेरे को 3 डॉक्यूमेंट्स भेजे थे मेल में, उसको प्रिंट करके दिया। देन फिर UPS कुरियर वाले जो है उनका फिर 3 डॉक्यूमेंट था, उसको भी प्रिंट करके दिया। फाइनली अभी जाके ना मेरा GoPro निकल गया है यहाँ से और मेरे को ये कुरियर ट्रैकिंग स्लिप जिसको बोल सकते हैं वो मिला है। तो अभी भी जो है मन में ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ चलो ख़त्म हो गया सब कुछ, अब टेंशन है, बट अभी भी ना मन में टेंशन होना कि पता नहीं अब लोग कौन सा नया नाटक बताते कि भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं है इसके कारण नहीं जा पाएगा। बहुत दिक्कत हो रहा है यार ब्लॉग वगैरह बनाने में, हम कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर अभी घर जाएंगे तो कुछ ब्लॉग शूट ही नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है यार, भेज तो दिया है, आई होप सो कि सब कुछ बढ़िया रहे। अभी जो है ना गाइज मेरे वीडियो पे एक बहुत ही, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, तो प्यारा कमेंट आया है। एक मेरे YouTube के फैमिली मेंबर है, उन्होंने कमेंट करा है कि आपका ब्लॉग मुझे सौरभ जोशी ब्लॉग से बढ़िया लगा। तो जिन्होंने कमेंट किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपको मेरा वीडियो इतना अच्छा लगता है। तो और जहाँ तक बात रही सौरभ भाई की, तो उनका जो वीडियो है उनके वीडियो को देख के मैं इंस्पायर होता हूँ। इंस्पायर इन द सेंस, कभी कभी लगता है मेरे को कि बोर हो रहे हैं, मतलब अब डिमोटिवेट टाइप का हो जाता है, तो हम सौरभ भाई के ब्लॉग को देखकर खुद को मोटिवेट करते हैं। बट मेरे जो मेंबर है, फैमिली मेंबर है यूट्यूब के, उन्होंने इतना बढ़िया कमेंट करा, उसके लिए फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। तो अभी जो है गाइस टाइम हो चला है 7:33 और अभी जो है शॉप पे लाइन नहीं है, बिजली कट गई है। और हमेशा जनरली मालूम नहीं क्यों होता है शाम के टाइम पे जब कस्टमर्स का टाइम होता है ना बिजली का, एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, पता है कस्टमर को सामान देने में बाहर बिल्कुल अंधेरा रहता है, हमारे अंदर में तो एक छोटा सा इमरजेंसी लाइट लगा हो बहुत जलते रहता है, बट फिर भी असुविधा तो होती है। तो झारखंड बिजली वाले अगर आप लोग देख रहे हैं ना इस वीडियो को, तो प्लीज़ 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 शाम को बिजली मत काटा कीजिए। तो गाइस अभी जो है ना हमने अपने शॉप को क्लोज कर दिया और अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए। तो फिलहाल रास्ते में ठंड बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा, और आज जो है ना मैंने अपने साथ कैप लाना भी भूल गया, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिलहाल चलते हैं घर। तो गाइस अभी जो है हम सब से आ चुके हैं और फिलहाल जो है फ्रेश हो गया हूँ एकदम, और अभी सबसे पहले क्या काम है मेरा कि सिम्बा को खाना देंगे, सिम्बा का खाना रेडी हो चुका है। तो ये है गाइस सिम्बा का खाना, तो अभी हम उसको देने वाले हैं। आ जाओ सिम्बा, सिट सिट सिट, गुड बॉय गुड बॉय, धीरे धीरे धीरे, यही तो सिम्बा का खाना, यही तो सिम्बा का खाना। खा। अभी जो है मैं सिम्बा को वॉक पे लेके निकला हूँ, नाइट वॉक पे, अभी जस्ट इसको खाना दिया है। Thank you.
सिम्बा को वॉक कराने के बाद अभी हम फिर घर आ चुके हैं और अभी टाइम हो चुका है हमारे डिनर का, तो बस डिनर आने ही वाला है। तो ये है हमारा आज का डिनर, आलू मटर का सब्जी, रोटी एंड चाय। तो अभी जो है हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों ने देखा होगा कि डिनर में आज जो है चाय भी था साथ में। अभी क्या है, ठंड इतना ज़्यादा है ना, तो बिना चाय का कुछ काम चलता नहीं है, तो खाना खाने के बाद चाय पी ली हमने और आयुष में जो है डिनर कंप्लीट कर दिया और आयुष के हाथ में ब्लोअर और अभी वो बाहर जाके थोड़ा सा बैठेगा, टीवी देखना है उसको, तो वो अपने आप को गर्म रखने का कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, अभी दो दिन से जो है ना हम लोग आग भी नहीं ताप रहे हो, तो चक्कर क्या हो जा रहा है, कुछ ना कुछ काम में बिजी रह जा रहे हैं घर के अंदर, जिसके कारण तो कल हम लोग कोशिश करेंगे आग तापने का। हालांकि आज ठंडा बहुत ज्यादा है और अभी मैं सिर्फ टी शर्ट में, होता क्या ना कि अगर जैकेट या फिर जैकेट तो नहीं, मतलब मोटा वाला स्वेटर पहन के अगर हम सोएंगे तो बड़ा अनकम्फर्टेबल सा लगता है, तो अभी जो ठंडा लग रहा है वो बर्दाश्त कर सकते हैं बट स्वेटर पहन के सोना नहीं, तो जिसके कारण अभी हम पतले से टी शर्ट में हैं। फिलहाल इस वीडियो को अभी एडिट करना है, वीडियो को एडिट करने के बाद वीडियो को अपलोड में लगाना है। ये बॉल दिखाया पापा? हाँ ये बॉल दिखाया ना, कल तो हम ये लोग इसी बॉल से गेम खेल रहे थे ना। हाँ तो दिखाया दुकान में। हाँ दिखाया, मैं देखा। तो गाइस आयुष सोने का कोई चांस नहीं है अभी इसका, क्योंकि आज सारा दिन बहुत अच्छे से सोया है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय।